तो गाइस वेलकम टू फर्स्ट व्लॉग ऑफ सोलो लिविंग। मेरा नाम है यश वर्मा और सोलो लिविंग इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं अपना होम टाउन छोड़ के यहाँ गुड़गांव में शिफ्ट हुआ हूँ ऑफिस के लिए और यहाँ एकदम अकेला रह रहा हूँ। तो मैंने सोचा हम में से काफ़ी सारे लोग अपना घर छोड़ के किसी और शहर में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो वो लोग काफ़ी रिलेट कर पाएंगे मुझसे और मेरे व्लॉग्स के साथ। तो इसीलिए मैंने ये व्लॉग शुरू किया है। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। रोज़ मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ एक हेल्दी ड्रिंक के साथ, तो आज भी वही है। इसके बाद चलेंगे जिम। ये जगह शहर से थोड़ी दूर तो है पर यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। पर ये भी है यहाँ ठंड कुछ ज़्यादा ही है। जिम जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना यार कुछ कपड़े सुखा लिया जाए, आज धूप आने के कुछ चांसेस हैं तो कपड़े भी सूख जाएंगे। तो कपड़े सूखने डाल दिए हैं और जिम बैग ले लिया है। चलो फिर चलते हैं जिम। आज तो मेरा चेस्ट वर्कआउट और जिम में ज़्यादा जगह है नहीं। तो गाइस वर्कआउट तो हो गया है, बॉडी स्टार्ट करिए नहीं करिए। तो गाइस वर्कआउट तो हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ हॉर्स राइडिंग के लिए। वैसे तो शाम में जाना था पर शाम में कुछ काम आ गया है इसलिए अभी चलते हैं। तो ये है कर्नल साहब का फार्म जहाँ मैं राइडिंग करता हूँ। गाड़ी सराय नहीं क्या आज? चलते हैं यार बाहर देखते हैं सराय नहीं आए। ये सामने वाले घोड़े का नाम है रेनबो किंग। इसको मोस्टली सर ही राइड करते हैं, एक्चुअली अंडर ट्रेनिंग है अभी। और ये रहा ब्यूटीफुल फार्म। इस साइड मतलब बच्चों का प्लेइंग एरिया है और ये सारा सर ने खुद सेटअप किया है विद मिनिमम हेल्प। तो सारा कंस्ट्रक्शन और सारा डिज़ाइन सब सर का ही है। Who is this good boy? कौन है सर ये, क्या नाम है इसका? तो ये है मुकद्दस जिसको अभी मैं राइड करने वाला हूँ और ये हमारे मोहन भैया माय सेकंड कोच। Thank you.
तो राइडिंग के बाद मुकद्दस को उसके स्टेबल तक लेके जा रहा हूँ। तो यार राइडिंग से आके थोड़ा थक गया था मैं, क्योंकि सुबह पहले वर्कआउट फिर राइडिंग। तो घर आके मैं फटाफट फ्रेशन अप हुआ और लंच करके थोड़ा रेस्ट किया, फिर पढ़ने बैठ गया था। अभी शाम का टाइम हुआ है, तो शाम का टाइम इज़ लाइक टी टाइम फॉर मी। तो अभी चाय बना रहा हूँ। चाय के साथ खाने के लिए मैंने ली है थोड़ी मिंट लच्छा। अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं करी है तो यार ज़रूर ट्राई करना, बढ़िया है। और ये डालते डालते मेरी चाय निकलने वाली थी, जिसको मैंने बचा लिया, ग्रेट सक्सेस। चलो अब चाय डाल लेते हैं। वैसे एक बात है, चाय पीने का मज़ा अकेले बिल्कुल भी नहीं है। वो तो ये है कि चलो यूट्यूब वगैरह देख लो या सीरीज़ देख लो तो ठीक है, पी लेते हैं। बट चाय का असली मज़ा या तो यार दोस्त के साथ है या फिर फैमिली वालों के साथ है। गप्पे मारते रहो, चाय पीते रहो, दैट्स ब्लिस। और ये है मेरा स्टडी टेबल या कुछ भी कह लो। अभी कुछ दिन बाद शायद पॉडकास्ट भी करेंगे। चीयर्स। तो यार मैं अपनी चाय एंजॉय करता हूँ और आप भी अपना वीकेंड एंजॉय करो। और व्लॉग में यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अब सोलो व्लॉग्स आते रहेंगे। हो सकता है ये व्लॉग थोड़ा छोटा हो, बट आगे और अच्छा कंटेंट दिखाऊंगा आपको अपनी लाइफ के बारे में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, शॉर्ट वीडियोज़ हैं, उसे भी जाके ज़रूर देखना। ठीक है, चलो बाय बाय।